Hi, welcome to PLP Advisory Services. My name is Anil Verma, and today in this video, I am going to talk about Krisumi Phase 3. अगर हम बात करते हैं Krisumi City की, तो it is a development of 65 acres, जिसमें सबसे पहले इन्होंने लॉन्च किया था Krisumi Waterfall Residences, जो कि Phase 1 था. वो उसमें आपको मिलते थे 3 high-rise residential towers, 2LDK, 3LDK, 3LDK plus utility का आपको option मिलता था. 2019 के एंड में वो प्रोजेक्ट इन्होंने लॉन्च किया था. 8500 पर स्क्वायर फीट के प्राइस के आसपास वो लॉन्च हुआ, और आज अगर मैं रीसेल में बात करता हूं तो कहीं ना कहीं 15,500-16,000 के आसपास रीसेल हो रही है. कंस्ट्रक्शन अपडेट की बात करूं तो ऑलमोस्ट स्ट्रक्चर पूरा हो चुका है, इंटरनल फिनिशिंग स्टार्ट हो चुकी है, और अगले 3 से 4 महीने के अंदर Krisumi कस्टमर्स को, क्लाइंट्स को पोजेशन ऑफर करना स्टार्ट कर देगा. उसके बाद इनका आया फेज टू, विच वॉज एन सर्विस अपार्टमेंट्स प्रोडक्ट. आपका सिंगल टावर था जिसमें आपको 1000 स्क्वायर फीट से लेकर 1250 के बीच में, अप्रोक्सीमेटली साइज बता रहा हूँ, उसमें आपको सर्विस अपार्टमेंट्स मिलते थे. सिंगल टावर था, 250 से 300 अपार्टमेंट्स थे. 3 दिन के अंदर पूरे का पूरा प्रोजेक्ट सोल्ड आउट हो गया था. 15,750 जो कि ऑल इंक्लूसिव प्राइस था, उस पर बिल्डर ने प्रोजेक्ट लॉन्च किया था. और 2 से 3 महीने के अंदर जिन्होंने लास्ट यूनिट बेची थी, जो इनके पास लास्ट कुछ यूनिट्स बची थी, उसमें जिन्होंने लास्ट यूनिट बेची थी वो 21,000 रुपये के आसपास इन्होंने प्राइस पे बेची थी, और उसके बाद इसको कम्प्लीटली सोल्ड आउट डिक्लेयर कर दिया गया था. अब इसी लोकेशन पर, इसी लैंड के अंदर इनके पास जो 25 एकर्स का एक इकट्ठा लैंड पैच बनता है, जिसमें इनके 8 से 9 टावर्स आएंगे, उसमें से फेज 3 के अंदर ये लेकर आ रहे हैं 3 रेजिडेंशियल टावर्स, और जो चौथा है वो है आपका सर्विस अपार्टमेंट्स का प्रोजेक्ट. बात करते हैं फेज 3 में रेसिडेंशियल अपार्टमेंट्स की. तो पहला जो इनका फेज था वाटरफॉल रेसिडेंसेस, उसके अंदर जो कहीं ना कहीं शिकायतें आई थी लोगों की, वो ये था कि यार जो रूम के साइजेस हैं ना, वो बहुत छोटे हैं. बात करूं मैं प्रोडक्ट की, उस प्रोडक्ट की पर्टिकुलरली, तो वो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस था आपका जैपनीज आर्किटेक्चर से. कहीं ना कहीं जो जैपनीज लोग हैं उनको जो रूम्स हैं वो थोड़े से छोटे चाहिए होते हैं, ज़्यादा स्पेशियस रूम्स में वो पसंद नहीं करते. तो कहीं ना कहीं जो वो प्रोडक्ट था आपको पर्टिकुलरली जैपनीज थीम पर डेवलप किया गया था, तो इस वजह से उसके रूम्स थोड़े कम थे जो कि इंडियंस को सूट नहीं करते. तो जो तीसरा फेज है उसमें जो ये कमी थी उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश की गई है. इसमें आपके जो साइजेस है कहीं ना कहीं 1800 स्क्वायर फीट से स्टार्ट होते हैं. 2LDK का जो साइज है वो 1800 स्क्वायर फीट के आपको आसपास मिलता है. इसमें आपको 2LDK, 2LDK प्लस यूटिलिटी, 3LDK और 3LDK प्लस यूटिलिटी के ऑप्शन मिलते हैं. तो कहीं ना कहीं जो आपके साइजेस हैं 1800 से लेकर 3000 स्क्वायर फीट के आसपास रहेंगे, तो कहीं ना कहीं जो स्पेशियस साइजेस हैं आपको इसके अंदर मिलते हैं. पूरे जो पूरा प्रोजेक्ट है, जो पूरी Krisumi सिटी है, उसका जो आर्किटेक्ट है वो है आपका निकेन सेकी, जो कि जापान की नंबर 1 आर्किटेक्चर कंपनी है. और जो पूरा कंस्ट्रक्शन है Krisumi सिटी का, वो आपका टाटा कंस्ट्रक्शन के पास है, और टाटा कंस्ट्रक्शन इज नोन फॉर डेवलपिंग क्वालिटी प्रोडक्ट्स. तो कहीं ना कहीं जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है, और वो तो आप जो इनकी प्रोजेक्ट है वाटरफॉल रेसिडेंसेज, जब अगर आप उसको देखोगे तो कहीं ना कहीं जो वो क्वालिटी है, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी आपको दूर से दिख जाती है. बात करें फेज 3 की आगे जाके, तो जो स्पेसिफिकेशंस हैं आपकी वो काफ़ी अच्छी निकल के आती हैं. ये जो 25 एकर्स का लैंड पैच है, इसके अंदर आपको 1.5 लाख स्क्वायर फीट का क्लब हाउस भी मिलता है, जो कि काफ़ी बड़ा क्लब हाउस है. और कंपेयर टू अदर प्रोजेक्ट्स इन द सेम विसिनिटी, तो दिस इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट क्लब हाउस टिल डेट. और इट विल बी लोडेड विद ऑल द एमिनिटीज, ऑल द वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज दैट यू थिंक ऑफ हैविंग इन एनी वर्ल्ड क्लास सोसाइटी. नया इसके साथ साथ ही इसमें अंदर आपको एक मेन मेड लेक भी मिलेगी, और आपको जो ग्रीनरी है वो कंपेयर टू जो इनके प्रीवियस फेजेस है उससे काफ़ी अच्छी मिलेगी. तो ये आप कह सकते हैं कि ये इस लोकेशन पर जो Krisumi सिटी है, Krisumi सिटी के अंदर सबसे अच्छी लग्जरी प्रॉपर्टी होने वाली है. बात करते हैं इनके चौथे टावर्स की, जो कि एक आपका सर्विस अपार्टमेंट का प्रोजेक्ट रहेगा. वो आपका ऑलमोस्ट वैसा ही होगा जैसे इनका वाटरफॉल सूट्स आया था, ये वाटरफॉल सूट्स 2 होगा. तो उसी तरह की ही एमिनिटीज होगी, उसी ही तरह की इसमें स्पेसिफिकेशंस होगी, उसी ही तरह के साइजेस होंगे. तो कहीं ना कहीं वो जो प्रोडक्ट है बिल्कुल ऐसा ही रहेगा जैसा आपका वाटरफॉल सूट्स था. जो फर्क है वो ये है कि जो उसकी प्लेसमेंट है वो कहीं ना कहीं आपके वाटरफॉल सूट से बेटर है. यहाँ से आपका जो इंटरनल जो ग्रीनरी है, इंटरनल एमिनिटीज है, क्लब हाउस है, आपकी जो लेक है, वो यहाँ से कहीं ना कहीं अच्छे तरह से आपकी विजिबल रहती है, और साथ ही साथ आपको
CPR की फेसिंग भी काफी अच्छी मिलती है, तो इट इज गोइंग टू बी बेटर देन इट्स प्रीडेसेसर। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपग्रेड है। प्राइसेस की बात करें तो ऑब्वियसली प्राइसेस थोड़े से आपके ज्यादा रहेंगे कंपेयर टू इट्स अर्लियर प्रोजेक्ट्स। उसका रीजन है कि तो मार्केट भी काफी अच्छे लेवल पे है, काफी ऊपर उठ चुकी है, और साथ ही साथ जो ये लॉन्चेस है ये लग्जरी लॉन्चेस है, ये इनका अभी तक का आप समझ लीजिए कि जो क्रीम चीजें बची हुई थी वो क्रीम चीज यही है। तो ऑब्वियसली स्पेसिफिकेशंस भी अच्छी होगी, एमिनिटीज भी अच्छी होगी, और इसकी जो विजिबिलिटी है वो भी कहीं ना कहीं दूसरे प्रोजेक्ट्स उनसे अच्छी होगी, तो इसी वजह से प्राइसेस थोड़े से ऊपर रहेंगे। लेकिन यस, देर आर सम इनॉग्रल डिस्काउंट्स जो कि जैसा कि हर प्रोजेक्ट में होता है रहते हैं, तो जिसके लिए आप हमारे नंबर्स पे हमें कॉल कर सकते हैं और हम आपको डिटेल में बताएंगे कि आप इसमें कैसे आगे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लोकेशन अपने आप में बहुत ही यूनिक है, क्योंकि किसी भी प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल होने के लिए, चाहे आप वहां पे रहना चाहते हो, चाहे आपका इन्वेस्टमेंट का पर्पस है, उसके लिए आपकी जो लोकेशन है, उसकी जो कनेक्टिविटी है और उसके सराउंडिंग में क्या डेवलपमेंट्स होने वाली है, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जब हम बात करते हैं सेक्टर 36A की, तो ये एक ऐसी लोकेशन है जो एक साइड आपको CPR से एक्सेस होती है, दूसरी तरफ आपको एक्सेस मिलता है द्वारका एक्सप्रेस वे से। CPR के थ्रू ये आपको कनेक्ट करती है SPR से, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड, गोल्फ कोर्स रोड से, और द्वारका एक्सप्रेसवे के थ्रू ये कनेक्ट आपको करती है दिल्ली से। तो कहीं ना कहीं लोकेशन अपने आप में बहुत ही प्रीमियम है। 36A में अगर हम बात करें तो ग्लोबल सिटी जो है आपकी 36B से स्टार्ट होती है, चार सेक्टरों में आपकी 1100 एकड़ की ये जो ग्लोबल सिटी है वो बनेगी। उसके बारे में मैंने डिटेल में बात कर रखी है कि किस तरह से ग्लोबल सिटी बनेगी, और इसका काम भी अब स्टार्ट हो चुका है। 2026 तक इसका फर्स्ट फेज है वो बन के तैयार हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ग्राउंड लेवल पे भी काम स्टार्ट हो चुका है, जो कहीं ना कहीं आपके कृषि की इन्वेस्टमेंट को इन्फ्लुएंस करता है, कहीं ना कहीं उसका बेनिफिट आपको आते हुए दिखेगा। इसके साथ साथ ही अपोजिट साइड में 200 एकड़ की आपको ग्रीन बेल्ट मिलती है, जिस पर कृषि ही एक गोल्फ कोर्स बनाने की प्लान में है, उसका कॉन्ट्रैक्ट लेने की कोशिश में है। साथ ही साथ आपको हेलीपोर्ट मिलता है, सेक्टर 84 में ये बनने जा रहा है, जिसमें आपको 6 लैंडिंग पॉइंट्स मिलेंगे, 100 से 150 लोगों का इसमें एक टर्मिनल होगा, तो काफ़ी बड़े लैंड एरिया पे भी ये हेलीपोर्ट बनेगा। इसके साथ साथ ही आपको विजन सिटी भी मिलेगी, इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर भी यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, तो जितने भी आने वाली डेवलपमेंट्स है वो आपको कृषि में बहुत ही ज़बरदस्त मिलेगी, जो कि फ्यूचर में आपके प्रॉपर्टी के एप्रिसिएशन को इन्फ्लुएंस करेगी। तो मेरे हिसाब से दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट दैट यू कैन थिंक ऑफ, यू नो, मेकिंग ऑन द्वारका एक्सप्रेसवे। सो इफ यू हैव एनी क्वेरी रिलेटेड टू कृषि फेज 3, यू कैन कॉन्टेक्ट अस ऑन द नंबर्स मेंशन ऑन दिस यूट्यूब वीडियो स्क्रीन। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।